नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज वन एन ऑसिलेटर कम्प्लीट्स हंड्रेड ऑसिलेशन इट्स एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस टू वन थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू सवाल है वॉट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड वैन इट कम्प्लीट्स टू हंड्रेड ऑसिलेशन हमारे ऑप्शन है वन बाई एट टू बाय थ्री वन बाय सिक्स या फिर वन बाय नाइन अगेन सवाल मुश्किल नहीं है डैम्ड ऑसिलेशन की एक छोटी सी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होएगी uh, वो इक्वेशन uh, आपको ही पता होएगा इक्वेशन को हम लिखते हैं ए विल बी इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी बाई बी uh, टी uh, इसको हम बी टी लिख लेते हैं यहाँ पे बी इज सम फैक्टर बी बाय टू एम वगैरह आता है बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सो लेट्स कीप इट एस बी तो हमें कहा गया कि आफ्टर टी इज इक्वल टू हंड्रेड टी आपका इस टाइम पे आपका ए जो है वो हो जाता है ए नॉट बाय थ्री और हमें बताना है कि जब आपका टाइम जो है टी इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड टी हो जाएगा सो so, आपका ए कितना हो जाएगा All right? तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें तो अपनी वैल्यू आ जाएगी ए नॉट बाई थ्री विल बी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस हंड्रेड बी बी टी ये आपकी वैल्यू हो गई विच एम्प्लाइज ई टू द पावर माइनस हंड्रेड टी बी टी उसकी वैल्यू हो गई वन बाय थ्री ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन बन गई ना हमें टू हंड्रेड टी पे इसका टाइम बताना है सॉरी टू हंड्रेड टी पे एम्पलीट्यूड बताना है सो एम्पलीट्यूड so, हो जाएगा आपका ए डैश विल बी इक्वल टू ए नॉट ए टू दी पावर माइनस टू हंड्रेड बी टी इस टू हंड्रेड बी टी को हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका ए नॉट ए टू दी पावर माइनस हंड्रेड बी टी मल्टीप्लाइड बाई टू इसकी वैल्यू ऑलरेडी वन थर्ड आ चुकी है तो ये हो जाएगा आपका ए नॉट ये हो गया वन बाई थ्री का स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू हो गई ए नॉट बाय नाइन यानी कि आपका एम्पलीट्यूड 200 के बाद हो जाएगा वन बाय नाइन सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर